तो जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लाए हैं आपके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं बच्चों, वन डे कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं के क्वेश्चंस होते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम इनके क्वेश्चनों पर चलेंगे। हमारे पास क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन है बच्चों, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो पूरे वीडियो को वॉच करिएगा अगर आप सीखना चाहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हालांकि बच्चों, अगर हम बात करें रेशियो एंड प्रोपोर्शन की तो चैप्टर कुछ ज़्यादा सा लेंथी हो जाएगा, तो हम ओनली बात करेंगे रेशियो का, और इसी चैप्टर का वेटेज आपके एग्जाम में ज़्यादा है। प्रोपोर्शन के क्वेश्चन रेयर केस में आते हैं, लेकिन रेशियो के क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम में होते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे रेशियो की, और इनके पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे कि रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या है और इनके क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बना पाएंगे आसान तरीके से। तो बच्चों, आज की क्लास में बेसिकली हम बात करेंगे शिप रेशियो की, यानी रेशियो के सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे, लेकिन हम फर्स्ट ऑफ ऑल इनके कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और स्पेशली वीडियो बच्चों फोकस्ड है जिन बच्चों का यूपीपी और लेखपाल का एग्ज़ाम है। सारे एग्ज़ाम में बच्चों ने क्वेश्चन आएंगे, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेखपाल के एग्ज़ाम में इन सब चैप्टरों से रेयर कम क्वेश्चन आएंगे, उनके जो क्वेश्चन आएंगे बच्चों मेंसुरेशन ज्योमेट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यूपीपी जैसे एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब बच्चों, अगर हम बात करें रेशियो की, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें हमें पता होना चाहिए। प्यारे बच्चों, रेशियो हमेशा समान चीज़ों का निकलता है। अगर मेरे हाथ में एक बोतल है, मेरे हाथ में बच्चों एक बोतल है, इस बोतल का रेशियो एक दूसरे बोतल के साथ ही निकलेगा। मेरे हाथ में मार्कर है बच्चों, इस मार्कर का रेशियो दूसरे मार्कर के ही साथ निकलेगा। व्यक्तियों का रेशियो अगर आपने देखा होगा तो व्यक्तियों की संख्या का रेशियो व्यक्तियों की संख्या में ही रहता है। सिक्कों का रेशियो अगर आपने देखा होगा तो सिक्कों में ही रहता है। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब रेशियो हमेशा सेम यूनिट का निकलता है, सेम चीज़ों का निकलता है, अलग अलग चीज़ों का नहीं निकलता है। कम से कम दो चीज़ें ज़रूरी हैं, मैक्सिमम कुछ भी हो सकती हैं। हाँ, अगर हमारे पास कोई एक ही छड़ी है उसको भी हम रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं, कट करके। हो सकता है एक हिस्सा हमने दो पार्ट कर दिया और एक हिस्से का हमने तीन हिस्सा कर दिया, तो 2:2 थ्योरी में भी हम इसको कट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, रेशियो हमेशा समान चीज़ों का निकलता है। दूसरी बात, रेशियो को आप कभी भी निगेटिव नहीं देखे होंगे, रेशियो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या आपने रेशियो के सामने कभी माइनस का सिंबल देखा है? नहीं देखा होगा। रेशियो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, रेशियो कभी भी निगेटिव नहीं होता है। और बच्चों, तीसरी और लास्ट बात, रेशियो का हमेशा सरलतम रूप लिखा जाता है। जो रेशियो का इजिएस्ट फॉर्म होता है उसी फॉर्म को लिखा जाता है। कोई भी चीज़ लिखा है रेशियो में बच्चों, अगर वो वैल्यू कट रही है तो उसको काटने के बाद जो वैल्यू आएगी उसी में रेशियो लिखा जाता है। इन बातों का आप खास तौर पर ध्यान दीजिएगा जब आप खास तौर पर रेशियो पढ़ रहे हो। अब बच्चों, आप समझिएगा प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग रेशियो कहते हैं, एच टू बी, ए हमारा रेशियो है। अब इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं ए अपान बी, यानी कहने का मतलब रेशियो को आप फ्रैक्शन के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। रेशियो को आप फ्रैक्शन के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। अब मान लो बच्चों, हमारे को पास कुछ अमाउंट है, और ज़रूरी नहीं ए और बी का ही रेशियो बने, ए बी सी डी का भी रेशियो बन सकता है। अब मान लो बच्चों, हमारे पास कुछ पैसे हैं, उस पैसे को हमें ए और बी में बांटना है। तो बच्चों, अगर उस पैसे में ए का शेयर निकालना है तो जो भी आपके पास अमाउंट है उस अमाउंट में ए के रेशियो से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और बटे में ए प्लस बी टोटल रेशियो आपको लिखना पड़ेगा ऐड करके। तो यहाँ से बच्चों आपका ए का हिस्सा निकल के चलाएगा। हाँ, अगर आपको बी का हिस्सा चाहिए कि उस पैसे में बी का हिस्सा कितना है, तो प्यारे बच्चों बी का हिस्से को निकालने के लिए उसी अमाउंट में आपको वी के रेशियो से गुणा करना पड़ेगा और अपान में ए प्लस बी लिख देना होगा। ऐसे अगर बच्चों सी भी रहेंगे तो टोटल वैल्यू हमेशा बटे में रहेगा, ऊपर बच्चों वही वैल्यू लिखा जाएगा जो आपको चाहिए। प्यारे बच्चों, हम बेस लेवल से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, वेस्ट लेवल से लेके चल रहे हैं और टॉप लेवल तक ले चलेंगे। आप देखेंगे हमारे क्वेश्चंस होंगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे, वो तभी आप कर पाएंगे जब चीज़ों को आप समझे रहेंगे। आप देखेंगे आज की क्लास में हम लोग कई क्वेश्चंस करने वाले हैं और पूरे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। इसके दूसरे पार्ट का भी वीडियो लाएंगे जहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चंस लाएंगे, हालांकि यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस दोनों रखा है।
तो बच्चों आप समझो, अगर सी भी होता तो बटे में सी को भी हम लिख देते, लेकिन सी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ए और बी को ही लेके चल रहे हैं। अब मान लो बच्चों हमारे पास एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि 1000 रुपये हैं जो कि है नहीं पॉकेट में, मान लिया है ना, मैथ पढ़ रहे हैं तो हम लोग मान सकते हैं हमारे पास 1000 रुपये हैं, इसे हमें ए और बी में बांटना है। मान लो कि हमें इस पैसे को 2:3 में बांटना है, यानी ए को 2 हिस्सा देना है, बी को 3 हिस्सा देना है। तो इस पैसे में ए का हिस्सा क्या होगा, इस पैसे में बी का हिस्सा क्या होगा। अगर बच्चों हमें ए का हिस्सा चाहिए तो इसी अमाउंट में हम ए के रेशो से गुणा करेंगे, टोटल वैल्यू अपान में करेंगे, 5 से कट करेंगे, 200 टाइम्स आएगा और यहाँ पर वैल्यू जो मिलेगा 400। अगर बच्चों में बी का वैल्यू चाहिए तो 1000 के रेशो में बी से हम बी के रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल वैल्यू बटे में लिखेंगे, 5 से कट करेंगे बच्चों 200 टाइम्स आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 आएगा। तो इस तरीके से आप ए और बी का मान निकाल पाओगे। यदि ऐसा है तो आप ए और बी का मान निकाल पाओगे बच्चों। आई होप कि इतनी बातें क्लियर हैं। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को करना है बच्चों तो हमें पता है टोटल वैल्यू 5 है, चाहे हम ए का शेयर निकालते हैं, हम बी का शेयर निकालते हैं, हर केस में हम टोटल वैल्यू तो बटे में कर ही रहे हैं, टोटल वैल्यू तो हम बटे में कर ही रहे हैं। तो बच्चों डायरेक्टली हम 5 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, 1 यूनिट का वैल्यू 200 आ जाएगा। अगर 1 यूनिट का वैल्यू बच्चों 200 हमें मिल गया तो 2 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 400, और 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 600। ये बच्चों रेशियो की बहुत बेसिक बातें हैं, एकदम बेस लेवल की बातें अभी हम आपसे रेशियो में कर रहे हैं। थोड़ा भी ऐसा कुछ भी नहीं कि जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो या आपको समझने में दिक्कत हो। अभी तक जितनी भी बातें हुई हैं वो सारी बातें बहुत बेस लेवल की हैं, लेकिन बच्चों बेस से ही हम चलते हैं और सारी चीज़ों को कवर करेंगे। चलते हैं बच्चों अगले कॉन्सेप्ट पे, आगे रेशियो के बारे में हम क्या सीखेंगे। तो बच्चों अब हम लोग सीखेंगे कि रेशियो को हम मिक्स कैसे करते हैं, हाउ टू मिक्स रेशियो। जब हमें डिफरेंट डिफरेंट रेशियो दिए हों तो उनको हम लोग मिक्स कैसे करते हैं, तो अभी बेसिकली हम इसी की बात करने चल रहे हैं कि रेशियो को मिक्स कैसे करते हैं। जैसे बच्चों समझो, यहाँ पर हमने ए बी का रेशियो आपको कुछ दिया, ठीक है, लाइक दैट 2:3 दिया हमने, फिर आपको वी सी का रेशियो दिया 3:4, और हमने आपसे पूछ लिया ए वी सी का रेशियो क्या होगा। कुछ भी नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि बच्चों वी का जो वैल्यू है आप देख पा रहे हैं, वी यहाँ भी है और वी यहाँ भी है, वी दोनों में है, लेकिन वी के वैल्यू भी बच्चों दोनों में इक्वल हैं। अगर v के वैल्यू इक्वल है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 2:3:4। अगर इनके वैल्यू इक्वल है तो यस, आपके मन में से ही विचार आ रहा है कि सर अगर वैल्यू इक्वल नहीं होंगे तो क्या करेंगे। यस बच्चों, अगर वैल्यू इक्वल नहीं होगा तो हमारे पास कई तरीके हैं इनको इक्वल करने के, या इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके, हमारे पास अलॉट ऑफ मेथड्स हैं। अब बच्चों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं बी तो है दोनों में, लेकिन बी के मान जो हैं वो अलग अलग हैं, एक में 3 है और एक में 4 है। अब इनको हम इक्वल कैसे करेंगे, इनको हम सेम कैसे करेंगे, या इनको हम मिक्स कैसे करेंगे, समझिएगा बच्चों। हम देख पा रहे हैं बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, लेकिन बी के मान अलग अलग हैं बच्चों। इनको पहले हम सेम कर लेंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 से, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, किसी एक नंबर में आप गुणा कर सकते हो क्या, कभी नहीं कर सकते हो बच्चों। एक नंबर में मल्टीप्लाई कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इनका रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा, इनका रेशियो 2:3 का नहीं रह जाएगा। इसलिए बच्चों अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लाई आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई अगर यहाँ 3 से कर दो तो बच्चों यहाँ भी आपको 3 से करना पड़ेगा, ये रूल है, ताकि इनके रेशियो में कोई डिस्टर्बेंस ना आए। 4 से 4 कैंसिल किया 2:3 आया, 3 से 3 कैंसिल किया 4:5 आया, इनके रेशियो में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर 4:2 = 8 होगा, 4:3 = 12 होगा, यहाँ देखेंगे 4:3 = 12, 4:5 = 15। तो बच्चों दोनों में हमें 12 मिल गया, यहाँ भी और यहाँ भी, तो v का वैल्यू दोनों में इक्वल हो गया। अब बच्चों हम कह सकते हैं कि a रेशो b रेशो c का जो वैल्यू होगा 8:12:15 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि जब v के वैल्यू अनइक्वल हो तो उस केस में इनको हम कैसे मिक्स करेंगे। एक दूसरा भी तरीका है बच्चों, समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लो बच्चों हम डायरेक्टली ए बी सी लिख देंगे, ए बी के नीचे ए बी का रेशो, बी सी के नीचे बी सी का रेशो,
बच्चों हम उल्टा यन बनाएंगे, यन होता है ना, यन को उल्टा कर देंगे इस तरीके से, और जिधर जिधर हमारी लाइनें जा रही हैं उसी दिशा में हम गुणा करते जाएंगे। यानी पहला स्टेप हमारा क्या है, 2 का 4 से मल्टीप्लाई 8 होगा। दूसरा स्टेप बच्चों 4 का 3 से 12 होगा, फिर 3 का 5 से 15 होगा। 8:12:15, अरे बच्चों वही मिला हमें। ये भी इसका एक तरीका था, और एक लास्ट वन भी इसका मेथड है, इसको भी हम लोग सीखेंगे। प्यारे बच्चों ये हमारा लास्ट मेथड है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर बी है, बी के बगल का प्लेस खाली है, बी के बगल का खेत खाली है, और पड़ोसी होते हैं बड़े खतरनाक, पड़ोसी होते हैं बड़े खतरनाक। बच्चों इन्होंने क्या किया, अपने पड़ोस के खेत पे कब्जा कर लिया। इनके बगल का खेत खाली था और इन्होंने क्या कर लिया, यहाँ पर कब्जा कर लिया। प्यारे बच्चों इनके बगल का खेत खाली है, इन्होंने अपने खेत पे कब्जा कर लिया। अब बच्चों 4 का 2 से मल्टीप्लाई 8 होगा, 3 का 4 से मल्टीप्लाई 12 होगा, 3 का 5 से मल्टीप्लाई होगा 15 होगा। बच्चों ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स कहते रहते हैं, मिलते रहते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है। बच्चों दिल से बताए ना, जो बच्चा पढ़ता है ना उसका सिलेक्शन हो ही जाता है, आज नहीं तो कल हो ही जाता है। बच्चों होता क्या, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखे हैं, आप ही देख लो, आप जाके एक छोटा सा सर्वे करो बच्चों, जो हमारे पढ़ाई लिखाई के वीडियो होते हैं, जो हम लोग पढ़ाते हैं लिखाते हैं, जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, अच्छे अच्छे कंटेंट्स ला के देते हैं, उनको वो चीज़ें फ्री में मिलती हैं जो उनको पैसा देना पड़ता है, जिसके लिए उनकी वॉच देखोगे बच्चों, उनके व्यूज़ देखोगे तो 100 व्यूज़ 200 व्यूज़, या बहुत जो पॉपुलर है उनके बच्चों व्यूज़ 5K 6K 7K 8K 9K 30K 20K आते हैं। लेकिन बच्चों वहीं पर जो इधर उधर के वीडियो पड़े होते हैं जिनमें अपशब्दों का यूज़ किया रहता है, जो प्रॉपर वीडियोज़ नहीं है, जो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर सकते हैं, उनके व्यूज़ को देखो आप, मिलियंस में व्यूज़ हैं। तो बच्चों सिलेक्शन कहाँ से होगा, पढ़ाई के वीडियो के व्यूज़ नहीं आते हैं, और जो वीडियो आपको नहीं देखना उनके इतने व्यूज़ आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ये भी एक रीज़न बन जाता है, ये एक रीज़न बन जाता है हमारे असफल होने का। अगर बच्चों बहुत सारे लोगों को मैं बता सकता हूँ बच्चों, जो यूट्यूब के माध्यम से पढ़ के अपना सिलेक्शन लिए हैं, अगर बच्चों आप यूट्यूब पे प्रॉपर तरीके से टीचर को फॉलो करके पढ़ रहे हो, मैं UPP की तैयारी करा रहा हूँ बच्चों, UPP के कंटेंट्स आपको दे रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ बच्चों, अगर आपने लगातार वीडियोज़ को वॉच किया, जितनी भी वीडियोस मैं आप अपलोड कर रहा हूँ, 101% आप अपने एग्ज़ाम में मुझे याद करेंगे कि सर ने जो पढ़ाया था वहाँ से क्वेश्चन फंसे हैं, उस टाइप के क्वेश्चन फंसे हैं। लेकिन ये है कि बच्चों आपको पूरे वीडियो को वॉच करना पड़ेगा, मेरे एवरेज ड्यूरेशन जो व्यूज़ के आते हैं बच्चों उससे पता चलता है कि बच्चे पूरे वीडियोज़ को नहीं वॉच करते हैं। तो बच्चों ये इस बात का संकेत है कि आप जब प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो सिलेक्शन कहाँ से होगा। मोबाइल में टाइम दीजिए बच्चों, लेकिन पढ़ने के लिए और कुछ देखने के लिए नहीं। अगर आप कुछ और भी देख रहे हैं ना तो चीज़ें बेहतर नहीं हो पाएंगी। कुछ भी लिखा रहता है उल्टा सीधा, आप सब मुझे नाम लेने में भी अच्छा नहीं लग रहा है बच्चों, उनके व्यूज़ बहुत आते हैं, बगल में अच्छे अच्छे वीडियोज़ पड़े हैं ध्यान मुद्रा के, मोटिवेशन के, या पढ़ाई लिखाई के, उनके वॉच आप देख लो बच्चों, उनके व्यूज़ देख लो, बहुत कम आते हैं, क्योंकि उसे लोग नहीं देखते जो समाज को ज़रूरत है। तो हमारा समाज किधर जाएगा, आप समझ सकते हैं ना। इसलिए बच्चों आप समझिएगा, आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा, ये सिलेक्शन लेने का उद्देश्य होता है बच्चों। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनका सिलेक्शन हो ही जाता है, जो नहीं पढ़ते हैं उन्हीं का सिलेक्शन नहीं होता है। बच्चों एक कहना बिल्कुल छोड़ दो कि सर मेरिट बहुत जा रही है ऐसा वैसा, बच्चों आप भी उस मेरिट में आ जाओगे, आपको आंदोलन नहीं करना पड़ेगा एग्ज़ाम निकालने के लिए, आपसे पढ़ाई करो। आंदोलन करने वाले पढ़ते नहीं हैं बच्चों, आपको पढ़ाई करना है, आंदोलन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जिस दिन आप पढ़ाई करना शुरू कर दोगे, इस बात को आप ध्यान देना। तो प्यारे बच्चों ऑनली स्टडी से पढ़ाई करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। बच्चों आपने देखा जब ए बी और बी सी दिया हो, बी के वैल्यू इक्वल हो या बी के वैल्यू अनइक्वल हो, तो उस केस में हम इनको मिक्स कैसे करते हैं। अब हम लोग देखेंगे बच्चों, जब हमें ए बी का रेशियो कुछ और दिया हो, बी सी का रेशियो हमें कुछ और दिया हो, और प्यारे बच्चों सी डी का रेशियो हमें कुछ और दिया हो, अब इनको मिक्स करना है हमें बताना है कि हमारा ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा। तो इस केस में हम इन्हें कैसे मिक्स करेंगे, तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कि बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, दोनों में बी मिल गया, दोनों में सी मिल गया, लेकिन बी के वैल्यू बच्चों यहाँ अलग है, यहाँ अलग है,
सी के वैल्यू यहाँ अलग है यहाँ अलग है, इनको इक्वल कर दो, पहला मेथड है। अगर इनको इक्वल करेंगे तो बच्चों 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी और यहाँ भी, इसमें बच्चों 3 से मल्टी करेंगे यहाँ भी और यहाँ भी। अब अगर आप 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर ही चुके हो तो प्यारे बच्चों यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि इनकी वैल्यू को इक्वल किया जा सके। अब बच्चों आप सीधा सीधा गुणा करके इनको लिखेंगे और डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे बच्चों यहाँ पर 4 2 8, 4 3 12, 4 3 12, 5 3 15, 5 3 15, 4 5 20। तो बच्चों बी का वैल्यू दोनों में सेम और सी का वैल्यू दोनों में सेम। जब बी और सी के मान सेम आ जाए तो बच्चों हमारा रेशियो हो जाएगा 8:12, 12:15, 15:20। सीधा सीधा हमारा आंसर निकल के चलाएगा, कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा आंसर। या बच्चों दूसरा तरीका, आप सारे मेथड्स को सीखिए। दूसरा मेथड हमारा क्या है, ए बी के नीचे ए बी का रेशियो, बी सी के नीचे बी सी का रेशियो, सी डी के नीचे सी डी का रेशियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो, उसके बाद आप इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करो और फिर बच्चों जो लाइन आपने पहले क्लिक किया था वही लाइन आपका लास्ट वाली लाइन बन जाएगा। इस तरीके से इनका गुणा करोगे तो भी ये कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे अगर हम 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, 8 3 24, फिर 3 का 4, 4 3 12, 12 3 36। तीसरी लाइन है बच्चों 3 5 15, 15 3 45, और चौथी लाइन है 3 5 15 4 60। अब बच्चों 3 से कट करोगे, 3 8 24, 3 12 36, 3 15 45, 3 20 60। तो आप देखो बच्चों वही रेशियो आया जो यहाँ पर निकल के आया। हाँ, आप तीसरा मेथड भी यूज करोगे तो आपका आंसर फिर भी आ जाएगा। तीसरा मेथड ज़्यादा अच्छा होता है, उसके पीछे का एक रीज़न है। यहाँ आपको गुणा नहीं करना पड़ता है बच्चों। जैसे 3 है ना, तो ये बगल के नंबरों पे जिनका प्लेस खाली है उसमें कब्जा कर लेता है। ये 5 है ना बच्चों, अपने बगल का प्लेस खाली है उस पर चला जाएगा। 4 के बगल में प्लेस खाली है, 4 यहाँ आ जाएगा। 3 के बगल में जो प्लेस खाली है सारे पे नंबर्स पे 3 आ जाएगा। अब बच्चों ये जितना भी वैल्यू दिया गया ये ए का मान है, ये सब बी का मान है, ये सब सी का मान है और ये सब डी का मान है। आप देखोगे बच्चों 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, ये कट जाएंगे। ये मैटर नहीं करता कि 3 यहाँ काट दिया आपने, वो डी का मान है, कहीं भी वो एक बार कटेगा। सी का मान 3 एक ही बार कटेगा, 2 बार है फिर भी एक ही बार कटेगा, 2 बार नहीं काट सकते हो, बस इस बात को आप ध्यान देना। सीधा सीधा गुणा करो बच्चों, 4 2 8 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा और 5 4 20 हो जाएगा। आप हर तरीके से देख सकते हैं आपका सेम आंसर आ जा रहा है, आपके हर लॉजिक से बच्चों सेम आंसर आ जा रहे हैं। इस तरीके से बच्चों रेशियो को मिक्स किया जाता है। बस एक कॉन्सेप्ट और बचता है बच्चों रेशियो को मिक्स करने का, जो हम लोग और सीखेंगे, उसके बाद हम इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों का कलेक्शन है, वो सारे क्वेश्चंस आज के वीडियो में देखेंगे। बच्चों पूरे नियम को ध्यान से समझने की कोशिश करो। बच्चों हम खुद चाहते हैं कि वीडियो को समराइज करके कम से कम टाइम में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दे पाएँ। हर चैप्टर का कंप्लीट वीडियो आ रहा है, आप जाइए प्लेलिस्ट में बच्चों सारे वीडियोस को वॉच करिए। यूपीपी का प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, वहाँ पर आप जाइए, या मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना दिया है नंबर सिस्टम का, तो नंबर सिस्टम के वीडियो वॉच करिए आप, तो बच्चों आपको समझ में आएगा ना कि चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है, इस तरीके से कैसे पढ़ रहे हो आप। पढ़ाई करो, देखिएगा क्या होता है, तालका मच जाएगी बच्चों। ए रेशियो वी का मान लो वैल्यू आपको बच्चों फ्रैक्शन में दे रखा है, कुछ इस तरीके से दिया गया है। अब हमें इन्हें मिक्स करना है, ठीक है। जब हमें फ्रैक्शन में दिया जाए तो हम इनको मिक्स कैसे करते हैं, फिर बच्चों मान लो बी और सी का वैल्यू हमें 3:4 या 5:6 दे दिया है, C:D का भी वैल्यू मान लो बच्चों 2:3 अपान में 3:4 दे दिया है। जब हमें ऐसा दे बच्चों तो उस केस में हम कैसे इनको मिक्स करते हैं, या हम 4:2 कोई बात नहीं कुछ भी मान लो चलेगा। अब बच्चों इनको हम कैसे मिक्स करेंगे, ठीक है, बातों को ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत ज़रूरी है। एक होता है पढ़ना, एक होता है ध्यान से पढ़ना। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपका बच्चों यही पढ़ना दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, यही एक बार पढ़ लो, आपका चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, आगे के लिए आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जैसे बच्चों 1/2 लिखो इनटू, ये जो वैल्यू है ना पलट जाता है। अगर कभी भी बच्चों ऐसा रहे इसको गुणा करके आप पलट देना,
पलटते क्यों हैं। जैसे बच्चों रेशियो का मतलब होता है बटा, ये बटे में आएगा 3/4। अब बच्चों पहले का चौथे से गुणा होता है आप सभी को पता है, और दूसरे का तीसरे से गुणा होता है। देखो बच्चों 1/2 × 4/3 ही आया कि नहीं आया। तो बच्चों ऐसा ना लिख के बार बार हम डायरेक्टली हम क्या कह रहे हैं कि जहाँ भी रेशियो लगा है उनके वैल्यू पे गुणा करके नंबर को पलट दीजिए। बस सीधा सीधा हिसाब है, 2/3 लिखेंगे, गुणा करेंगे 4/3 लिख देंगे। बातें क्लियर है? अब बच्चों देखो, 2 से अगर कट रहा है तो काट भी दो, 2×4 अनुपात बनेगा बच्चों 2:3। यहाँ भी काटो, 2×3 = 6, 2×4 बच्चों 3×3 = 9 और 5×2 = 10, तो 9/10 हो जाएगा। यहाँ देखिए बच्चों नहीं कट रहा है मत काटो, 4×2 = 8, 3×3 = 9 ऐसा बन जाएगा। अब जैसे हम लोग करते आ रहे हैं ABCD, AB के नीचे AB का रेशियो, BC के नीचे BC का रेशियो, CD के नीचे CD का रेशियो। बच्चों V के वैल्यू को आगे बढ़ा देंगे, C के वैल्यू को आगे बढ़ा देंगे, इधर B के वैल्यू को आगे बढ़ा देंगे, इधर बच्चों हम C के वैल्यू को आगे बढ़ा देंगे। अब बच्चों सम में जो भी नंबर कट रहे हैं उनको हम काट सकते हैं। देखो सम में 3 है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, और 3×9 यहाँ भी था, कट गया। देखिए बच्चों 2 से तो 2×4 = 8, 2×4 = 8, 2×4 = 8 और 2×5 = 10, सम में कट गया। आप बच्चों नहीं कट रहा है, 3 से कटता कटता, लेकिन यहाँ नहीं है 3 कोई कि काट सकें, तो वैल्यू अब कटेगा नहीं, अब गुणा कर लो। अब गुणा क्या करेंगे, 4×3 = 12, 2×9 = 24, 4×9 = 36, 4×3 = 40 और 9×5 = 45। तो बच्चों ए नंबर हमारा रेशियो बन गया। हम बच्चों जैसे कि अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दे रहे हैं, कोई भी नंबर लिख के इनके रेशियो को मिक्स कर रहे हैं। तो आई होप कि बच्चों इतनी बातें आप सभी बच्चों को क्लियर हो गई होंगी, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। बच्चों इसी तरीके से हम लोग रेशियो को मिक्स करते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं अपने कुछ बेहतरीन सवालों की तरफ, जिनके क्वेश्चंस बहुत बढ़िया बढ़िया हैं। सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे दिखेंगे बच्चों, उनका प्रॉपर सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, और स्पेशली उनके सॉल्यूशन पे फोकस करिएगा, उन सवालों को कितने बेहतर तरीके से हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। तो बच्चों चलते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। अब बच्चों हम लोग रेशियो के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारे पास अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चनों का हम डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, दो ग्लास क्रमशः 1/2 और 1/3, दो ग्लास क्रमशः 1/2 और 1/3 भाग दूध से भरे हैं, उन्हें पूरी तरह पानी से भर दिया जाता है, दोनों मिश्रण को एक बर्तन में रख दिया जाता है, तो नए बर्तन में या बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या है। प्यारे बच्चों फिर से सुनो, हमारे पास दो ग्लास है, एक ग्लास में 1/2 मिल्क है और एक दूसरे ग्लास में 1/3 मिल्क है, और दोनों ग्लास समान मात्रा की हैं। मैं ऐसा ये वर्ड पढ़ा नहीं, दो समान ग्लास है बच्चों, ध्यान नहीं दिया मैंने, यहाँ पर लिखा है दो समान ग्लास, 1/2 पहले में मिलकर है, दूसरे में 1/3 मिलकर है, दोनों ग्लास का वॉल्यूम जो है बच्चों इक्वल है, उनमें कोई डिफरेंसेस नहीं। यानी कहने का मतलब अगर पहले ग्लास में 1 लीटर पानी आएगा तो दूसरे में भी 1 ही लीटर पानी आएगा, दोनों ग्लास समान है। दो समान ग्लास है बच्चों, 1/2 एक में मिल्क है, दूसरे में 1/3 मिल्क है, बाकी जो हिस्सा बचता है उसमें हम पानी मिला देते हैं, पूरी ग्लास को भर देते हैं, दोनों ग्लास को भर देते हैं, फिर दोनों ग्लास को तीसरे ग्लास में पलट देते हैं। जब हम तीसरे ग्लास में पलटते हैं बच्चों, तो उस तीसरी ग्लास में इनका रेशियो क्या होगा, ये आपका सवाल है, आपको बताना है। आप सभी कमेंट कर सकते हैं, रेगुलर मैं आपके कमेंट्स चेक करता हूँ, आप बहुत अच्छा लिखते हैं कि सर नाइस वीडियो, नाइस चीज़ें, सब कुछ सही है, लेकिन आप कमेंट में कभी भी अपना आंसर नहीं देते हैं प्रश्नों का कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब किया, क्योंकि आप पूरे वीडियो को वॉच ही नहीं करते हैं। बच्चों अगर आप प्रॉपर तरीके से तैयारी कर रहे हो तो वीडियो को वॉच करना सीखो, आप बेहतर सीखोगे, नो डाउट। अगर आप रेगुलरिटी से टीचर को फॉलो कर रहे हो, उनके सारे वीडियोस को वॉच कर रहे हो, तो कोई रोक नहीं सकता बच्चों आपको बेहतर बनने में, 101% आप सीखोगे।
यही कमी होती है बच्चों, जो कि हमें बाद में नुकसान पहुंचाती है। आपको एहसास होगा कि शायद हम सर का वीडियो देखे होते, चीज़ों को पढ़े होते, तो आज हम अपने एग्जाम में क्वेश्चन को कर पाते। देखो बच्चों, कितने आसान तरीके से सवाल को बनाया जाएगा। हमारे पास दो समान गिलास हैं, एक गिलास इतना है, उतना ही दूसरा गिलास है। इसमें बच्चों 1/2 मिल्क है, ठीक है। एक दूसरे गिलास में बच्चों 1/3 मिल्क है। अब बच्चों एक बात आप समझिएगा, 1/2 का मतलब होता है जस्ट हाफ, और 1/3 का मतलब होता है एक तिहाई। क्लियर? इसको दो तरीके से किया जा सकता है, लेकिन जो मुझे बढ़िया लगता है, जो मेरा मन कर रहा है बताने का, वो मैं आपको बताता हूँ। फिर बच्चों इस सवाल को पढ़ने से पहले एक बात समझो, जैसे अगर मैं लिखता हूँ 20%, तो इसका मतलब क्या होता है? 20/100, अगर इसे हम काटेंगे तो 1/5 आएगा। तो बच्चों आप देखो, जो नीचे का वैल्यू है क्या है, अपने आप में 100% है, ऊपर का वैल्यू क्या है, 20 है। तो एक्चुअली में होता क्या है, 20% क्या हो सकता है, 20% किसी का रिजल्ट हो सकता है, 20% किसी का रिजल्ट हो सकता है, लेकिन 100% क्या हो सकता है, टोटल वैल्यू हो सकती है। तो बच्चों ऊपर जो आता है ना, ये हमेशा रिजल्ट आता है, और जो नीचे आता है पर जो, ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू होता है। इस बात को ध्यान देना, नीचे हमेशा बच्चों कुल मात्रा होगी, और ऊपर हमेशा सदैव जो है हमारा रिजल्ट होगा। जैसे बच्चों यहाँ पर बोला वन हाफ का मतलब बच्चों हमारा जो ग्लास है ये 2 लीटर का है, ये टोटल वैल्यू है, और इसमें मिल्क कितना है बच्चों, ऊपर वाला। वैसे ही बच्चों अगर 2 लीटर की ग्लास होगी, आधी भरी होगी, तो 1 ही लीटर भरा होगा ना, उसका तो हाफ 1 ही लीटर होगा। अब बच्चों हमारी एक ग्लास का जो नीचे का टोटल वैल्यू हो गया वो 3 हो गया, और मिल्क कितना भरा है बच्चों, 1। अगर हमारी ग्लास 3 लीटर की है और उसका 1/3 मिल्क भरा है, तो 1 लीटर मिल्क भरा होगा, 1/3 ही तो भरा है। अब बात है क्लियर? अब आप समझो बच्चों, नीचे का वैल्यू यहाँ अलग अलग हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3, जबकि ऐसा बोला नहीं गया है। बोला ये गया है कि दोनों गिलास की मात्राएं समान है। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमें ऐसे नंबर से गुणा कर देना चाहिए 1/2 में, कि हमें वही नीचे के वैल्यू को, इन द सेंस कि बच्चों हमें इक्वल करना है, कि नीचे के वैल्यू हम इनको इक्वल कर पाए, ऐसे नंबर से गुणा करें कि नीचे के वैल्यू को हम इक्वल कर पाए। अगर बच्चों हम यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर 3 मिलेगा, नीचे 6 मिलेगा, और यहाँ पर बच्चों ऊपर 2 मिलेगा, नीचे 6 मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, नीचे का वैल्यू दोनों में सेम हो गया, और नीचे का ही वैल्यू क्या होता है, हमारा टोटल वैल्यू होता है। यानी एक ग्लास हमारी 6 लीटर की थी, और इसमें आधा जो है मिल्क भरा था, तो आधा हिस्सा कितना होगा, 3 होगा। बच्चों ये भी ग्लास हमारी 6 लीटर की थी, लेकिन इसमें मिल्क कितना था, 2 1/3, 1/3 हिस्सा का मतलब 6 का 1/3 2 होगा, 2 लीटर। अब बच्चों ये जो हमारे पास ग्लास थे, इनका मिल्क हमने एक तीसरी ग्लास में पलट दिया। जब तीसरी ग्लास में पलटेंगे तो इस ग्लास में बच्चों मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, यही अपने को बताना है। तो अगर मिल्क की बात करें बच्चों, पहले ग्लास में 3 लीटर मिल्क था, दूसरे ग्लास में 2 लीटर मिल्क था, वही मिल्क तो बच्चों यहाँ आके गिरेगा, उसके अलावा तो मिल्क आएगा नहीं बच्चों, कि हम तीसरे ग्लास में पलटेंगे कुछ और एक्स्ट्रा मिल्क आ जाएगा, मिल्क तो वही गिरेगा ना जो वहाँ ऑलरेडी पहले से था। तो इसका बच्चों 3 हिस्सा, इसका 2 हिस्सा आके यहाँ पर गिर जाएगा। और इसमें बच्चों अगर 3 लीटर हमारा मिल्क हो गया, तो 3 ही लीटर हमारा वाटर भी होगा, क्योंकि 6 लीटर की गिलास थी। अगर 2 लीटर मिल्क है बच्चों, तो 4 लीटर क्या होगा, हमारा वाटर होगा, तो 4 लीटर वाटर होगा। प्यारे बच्चों इनका जो रेशियो बनेगा 5:7 का बनेगा, 5 लीटर हमारा मिल्क हो जाएगा, 7 लीटर हमारा वाटर हो जाएगा, और ए इनका रेशियो बन जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से बच्चों हम इस क्वेश्चन को बना सकते थे। चले बच्चों आगे। ओके, आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल देखिएगा, सवाल सारे हमारे बेहतरीन हैं बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन, जैसा कि बोर्ड पे आपको दिखना शुरू हो गया होगा, क्वेश्चन बच्चों हमारा है दूसरा, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, यानी प्रत्येक संख्या में 44 जोड़ दिया जाए। दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, यदि प्रत्येक संख्या में 44 जोड़ दिया जाए, तो अनुपात 11:13 हो जाएगा। संख्याओं का अंतर क्या है बच्चों समझिएगा, दो संख्याओं का रेशियो हमें दिया है 7:9,
कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 44 जोड़ दिया जाए तो उनका जो रेशियो बनेगा 11:13 बनेगा। ठीक है, फिर हमसे कह रहा है संख्याओं का अंतर क्या होगा। बच्चों ये जो सवाल है ना, इस सवाल से हमारा इस प्रॉब्लम का लगभग 75% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इसी एक सिंगल क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से। ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे कि प्रॉब्लम एज यानी एज ऑफ प्रॉब्लम, आयु की आयु से संबंधित प्रश्न कि सारे सवाल हमारे बनने लगते हैं बस एक सिंगल कॉन्सेप्ट से। क्या है ऐसा कॉन्सेप्ट? अगर इस वाला कॉन्सेप्ट देखा जाए तो दो संख्याओं का हमें रेशियो बच्चों दिया है 7:9, शायद ये दिया है। यस बच्चों, तो हम पहली संख्या 7x मानते हैं, दूसरी संख्या 9x। तो हम लोग बच्चों अनुपात को बटी में भी लिखते हैं। कह रहा प्रत्येक संख्या में 44 जोड़ दिया जाए, भाई ऊपर वाले में 44 जोड़ दो, नीचे वाले में 44 जोड़ दो, तो अनुपात जो मिलेगा 11:13 का मिलेगा। अब बच्चों अगर इसे हम सॉल्व करेंगे कहीं ना कहीं यहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा। और फिर संख्याओं का अंतर पूछा है, संख्याओं का अंतर बच्चों साफ साफ दिख रहा है 2x का है। अगर x का मान आ जाएगा तो यहाँ रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये इस सवाल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट से हम इस सवाल को करेंगे तो प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं दो सवाल का टाइम हम एक सवाल में गंवा देंगे। हमें एग्ज़ाम में कम टाइम में करना होता है, तो हम कैसे करेंगे? वहाँ पर बच्चों 7:9 हमें दिया था, फिर 11:13 दिया था। प्यारे बच्चों इनका डिफरेंस कितना है? 4 का। इनका डिफरेंस कितना है? 4 का। एक ऐसा मेथड होता है कि बच्चों अगर इनके डिफरेंस इक्वल इक्वल है तो इन सवालों को हम इस तरह के सारे सवालों को सेकंड में कर पाएंगे। अब यही सवाल हमारा इस प्रॉब्लम में क्यों लगता है? क्योंकि वहाँ पर भी बोलता है पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है, 10 वर्षों बाद इतना हो जाएगा, तो सब में 10-10 ही जोड़ते हैं ना, तो 10 साल बाद का रेशियो दे देता है। तो बच्चों इसीलिए वहाँ भी ये कॉन्सेप्ट लग जाता है, दोनों के डिफरेंस इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं है बच्चों तो हम मल्टीप्लाई करके जैसे समीकरण में गुणा करते थे 1 में 2 में, गुणा करके इनको इक्वल करेंगे और हो जाएगा, उसके बाद भी हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चों। तो यहाँ तो दोनों में इक्वल है तो हमें नहीं करना है। 4 यहाँ भी डिफरेंस है, 4 का यहाँ भी डिफरेंस है, 4 का ही वैल्यू बच्चों 44 होगा जो हम जोड़ रहे हैं। तो 1 यूनिट का जो मान हो जाएगा बच्चों, 1 यूनिट का वैल्यू हमारा 11 हो जाएगा। इनका डिफरेंस बच्चों 2 यूनिट है। अगर 1 यूनिट का मान 11 है तो 2 का वैल्यू बच्चों 22 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बच्चों क्वेश्चन है, कैसा लगा सवाल ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आप सभी बच्चों को ये सवाल बेहतर लगा होगा। बच्चों इसी तरीके से इस सवाल को हम लोग बहुत कम टाइम में कर सकते थे। अब बच्चों हम लोग चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन है बच्चों हमारे पास जो कि आज की क्लास में मैं आपको करा रहा हूँ, तो इसे मैं अभी इरेज कर सकता हूँ। ओके बच्चों, इस सवाल को मैं इरेज करता हूँ। एक दूसरा भी वीडियो लाएंगे बच्चों आप लोगों के लिए बहुत जल्दी ही। ठीक है, उस वीडियो में हम इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन डाल देंगे, तो वहाँ पर हम लोग पूरे जो 40 मिनट के वीडियो बनेंगे वहाँ पर यही सारे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है बच्चों हम लोग के पास एक, और इसका लास्ट क्वेश्चन कर देंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जा रहा है, तो दूसरे पार्ट में हम क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लाएंगे। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस तरह से विभाजित किया ताकि उसकी पुत्री और उसकी पत्नी का भाग तथा उसकी पत्नी और उसके पुत्र का भाग दोनों ही 3:1 के अनुपात में हो। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले हों तो कुल संपत्ति क्या है? बच्चों इस सवाल को देखिए, एक व्यक्ति है, उसने अपनी संपत्ति को अपने पुत्री, अपनी पत्नी और अपने पुत्र में बांटा, लेकिन उसका बांटने का जो हिसाब किताब था ऐसा था कि पुत्री और पत्नी का जो रेशियो था वही रेशियो बच्चों उसके पत्नी और पुत्र का भी था, दोनों का रेशियो सेम था। यानी कहने का मतलब कि बच्चों जो पुत्री का रेशियो था और जो पत्नी का रेशियो था वही रेशियो बच्चों उसकी पत्नी और पुत्र का भी था, उसकी पत्नी और उसके पुत्र का भी था। और प्रत्येक का रेशियो हमें बोला गया 3:1 था, इसका भी 3:1 और इसका भी 3:1। तो ठीक है, 3:1 का अनुपात दोनों लोगों का था, दोनों में कोई भी डिफरेंसेस नहीं थे। ओके बच्चों, तो हम इन्हें मिक्स कर लेंगे सबसे पहले क्योंकि पत्नी का रेशियो दोनों में अलग अलग हो गया। जब मिक्स करेंगे तो बच्चों 3×9 3×3 और 1×1 3×9 3×3 और 1×1। तो ऐसा बच्चों मिक्स हो गया। अब हम देख पा रहे हैं पुत्र का जो हिस्सा है पुत्री की अपेक्षा बच्चों 8 यूनिट कम है।
8 यूनिट कम होने के नाते ही पुत्र को पुत्री की अपेक्षा 10,000 रुपये कम मिले। तो 8 यूनिट का ही वैल्यू बच्चों हमारा क्या है, 10,000 है। अगर हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो बच्चों 1 यूनिट का जो मान हो जाएगा वो 10,000 और बटा में 8 हो जाएगा। हमें चाहिए कुल संपत्ति, कुल संपत्ति बच्चों 9 × 1 = 10 = 13 है। अगर हम 13 से गुणा कर देंगे तो कुल संपत्ति आ जाएगा 8 × 1 = 8, 2 × 20 = 20, 8 × 2 = 16, 4 × 4 = 8, 5 × 4 = 0, 13×5 = 65, 13×2 = 26, 36, 13×3 = 16,250। तो बच्चों इस तरीके से ये सवाल हमारा लग गया। प्यारे बच्चों ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रख रहा हूँ, इसमें हमने कॉन्सेप्ट आपको समझाया। आई होप कि आप पूरे वीडियो को वॉच किए होंगे। यदि आपने सारे वीडियो को वॉच किया है तो आप कमेंट भी करिएगा कि सर हमने सारे वीडियो को वॉच किया और हमें दूसरा वीडियो चाहिए, तो हम आपको इस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चंस का वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जहां पर हमारे पास सिक्कों के ऊपर क्वेश्चंस और बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस, एलिगेशन का भी कॉन्सेप्ट लगेगा, अलॉट ऑफ क्वेश्चंस जो हम आपको सेकंड वीडियो में लाके परोसेंगे। बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस होंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, वो सारे क्वेश्चंस बच्चों अपने सेकंड पार्ट के वीडियो में लाएंगे। आज का वीडियो जैसा भी आपको लगा, अच्छा बुरा जो भी लगता है बच्चों, आप पॉजिटिव कमेंट करो कि सर मुझे बुरा लगा, बहुत अच्छा पढ़ाया, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आया, ऐसा भी कमेंट कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा बच्चों, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, मुझे अच्छा भी लगा, तो जैसा भी आपको लगता है बच्चों वैसे आप कमेंट कर सकते हैं, आप फ्री हैं इस चीज़ के लिए। लाइक डिसलाइक कर सकते हैं बच्चों, अगर नहीं पसंद है डिसलाइक, पसंद है तो तभी लाइक। बच्चों हम जिनमिन चीज़ें आपको ला रहे हैं और लाते रहेंगे। हमारा मेन मोटिव उन बच्चों के लिए है जो बच्चों कोचिंग नहीं कर पाते हैं, पैसे के अभाव में एक सही प्लेस पे नहीं जा पाते हैं, उन बच्चों पे हमारा खास तौर पे फोकस है कि वो बच्चे हमसे जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। और ये हमारा प्रयास लगातार जारी रहेगा। आप बच्चों हमारे साथ जुड़ो, अगर आप एक सही सपोर्टर हैं, सही स्टूडेंट हैं, तो आप हमारे सहयोग के लिए इस वीडियो को शेयर भी करो, लोगों तक पहुँचाओ, ताकि बहुत सारे बच्चे जुड़ें और हमें एक मौका मिले आप सभी बच्चों का लाइव क्लास लेने का। प्यारे बच्चों 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद ही लाइव क्लास पॉसिबल हो पाती है, जो कि अभी नहीं है, तो ये आपके शेयर सहयोग से हो पाएगा। उसके बाद हम लोग मिलेंगे और लाइव क्लास ले पाएंगे आपका। सो बच्चों आज के लिए इतना ही, जय हिंद बच्चों, थैंक यू आप सभी बच्चों को।